नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे भारत में पाए जाने वाले 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर से आप लोग गलती से भी चले जाते हैं तो आप लोगों का वहाँ से वापस लौट कर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी आज तक गए हैं उन लोगों का मानना है कि वहाँ पे भूत और आत्माओं का साया है और साथ ही में उन्हें अलग अलग डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है कुलधरा का गांव। यह गांव राजस्थान में स्थित एक गांव था जिसको कि अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डरावना माना जाता है, क्योंकि इस गांव के लोग इस गांव को एक ही रात छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन गांव वालों पर उनके राजा के द्वारा उन पर बहुत ही ज्यादा कर्ज था और वह गांव वाले इस कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए वह गांव वाले इस गांव को एक ही रात छोड़कर चले गए और इस गांव को श्राप दे दिया कि अगर से यहाँ पे कोई भी आदमी बसना चाहेगा तो यहाँ पे नहीं बस पाएगा। और तभी से इस गांव को बहुत ही ज़्यादा डरावना माना जाता है और अगर से यहाँ पे कोई भी आदमी जाता है तो उसे रात 7 बजे से पहले ही वापस कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पे बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती हैं और साथ ही में यहाँ पे बहुत से जंगली जानवरों का भी साया रहता है या फिर वहाँ पे चलते रहते हैं। नंबर 2 पे है मुंबई में स्थित एक कपड़ों का फैक्ट्री, जिसे कि 1852 ईस्वी में बनाया गया था और यह फैक्ट्री अच्छे से एकदम वर्क भी कर रहा था, चल रहा था, लेकिन अचानक से 1970 ईस्वी में इसमें आग लग गया और यह पूरा फैक्ट्री जल के राख हो गया। और तभी से इस फैक्ट्री में जाने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पे उन्हें डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और अचानक से उन्हें कोई आदमी जाता हुआ दिखाई देता है और तभी से यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं जाता। नंबर 3 पे है जमाली कमाली मस्जिद। यह मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में स्थित है और जब सन 1536 ईस्वी में मौलाना जमाली की मृत्यु हुई तब उनके कब्र को इस मस्जिद के आंगन में दफना दिया गया और जब कुछ सालों बाद मौलाना कमाली की मृत्यु हुई तब उनके कब्र को भी इसी आंगन में दफना दिया गया। यानी कि जमाली कमाली ये जो मौलाना थे इन दोनों के कब्र को इस मस्जिद के आंगन में दफनाया गया है और बहुत से लोगों का मानना है कि इस मस्जिद में अब भी उन दोनों मौलानों का साया रहता है। नंबर 4 पे भानगढ़ का किला। यह किला राजस्थान में स्थित है और इस किले को बहुत ही डरावना किला कहा जाता है। तो यह बात है बहुत टाइम पहले की, जब इस किले में एक राजा रहते थे और उनकी बेटी थी राजकुमारी। तो उस राजकुमारी को एक तांत्रिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और वह तांत्रिक इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया और फिर उस तांत्रिक ने इस किले को श्राप दे दिया और तभी से इस किले को श्रापित किला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बस यही था। और दोस्तों, अगर से आप लोगों को भी कोई डरावनी जगह पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।